हेलो भाई, मैं उनरोवार। आज हम करने वाले हैं ड्रैग रेस बिटवीन टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा एक्सयूवी। इस गाड़ी को आप देख चुके हो, इसके साथ हमने सेल्टोस वगैरह की भी रेस करवाई थी। तो इन दोनों गाड़ियों में कीमत की अगर बात करते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट डबल है फॉर्च्यूनर की कीमत की। और वैसे अगर आप देखते हो हाइट वाइज साइज वाइज सेम सी लगती है ये। तो जिस दिन हमने इसके साथ सेल्टोस की रेस करवाई थी उस दिन तो एक तरफा सेल्टोस जीत रही थी क्योंकि वो हल्की गाड़ी थी, लेकिन आज दोनों भारी गाड़ियां मिल रखी हैं भाई आपस में। ये 174 BHP है, 140 BHP है। BHP का फ़र्क तो है, लेकिन अगर आप देखते हो ना वेट तो इसका बहुत ज़्यादा है। तो आज उसी चीज़ को हम देखेंगे दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस में कौन सी आगे निकलती है, टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर XUV 500 जो कि महिंद्रा की तरफ से आने वाली एक 7-सीटर कार है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड के साथ। इसमें पहले गियर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। क्या हुआ? पहले गियर पे भाई रुक जाती है, कितनी रेस दे दो। अच्छा, पहले गियर पे खींचती नहीं है। हमें लगा उठाई नहीं आपने। पूरी रेस मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। हाँ पूरी रेस, हाँ झटका मार जाती है। भाई अब समझ आ गई। हाँ। इसमें था ESP ऑन। वाह, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ऑन था इससे। अब मैंने बंद करके वहां से बंद करके लाया हूं मैं, एकदम खींच गया सेल्टोस की तरह। अच्छा, तो एक बार इसमें चेक करके देखते हैं। पहले राउंड में तो चीटिंग करी थी आपने भाई, बोल रहे थे हमको रोक के खुद भाग गए। चलो ये प्रॉपर फर्स्ट राउंड है, वो ESP वगैरह बंद कर लिया। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जो आता है वो ऑफ है ना, पक्का ऑफ है ना, जस्ट अभी किया। चलो भाई अब करते हैं भाई इसका प्रॉपर, अपने ट्रैक्शन वगैरह सब बंद है। 1 2 3 ये फॉर्च्यूनर रह गई पीछे ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल में। भाई ये तो सेल्टोस से भी हार गई, XUV से भी हार गई। अब नेक्स्ट राउंड जो हम करेंगे वो पावर मोड के साथ करेंगे, अभी नॉर्मल कर रहे हैं, इको नहीं है, नॉर्मल है। टक्कर तो मस्त थी भाई। यहाँ पे ये देखो अपना फॉर्च्यूनर जब पीछे से वो करती है ना बर्नआउट करती है तो कितना टायर घिस जाता है वो देख लो आप। तो जो सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड था उसमें XUV जीत गई थी। अभी हम पावर मोड में लगाएंगे भाई, फिर देखते हैं कौन सी निकलती है। पावर मोड में जीत जाएगी, देखते हैं। पावर मोड में लगा लिए भाई, लगा लिया। चलो इसमें इस बार हम XUV में बैठते हैं, कोई वेट ज़्यादा हो रहा हो फॉर्च्यूनर में, पहले से इतनी भारी है खुद ही और ज़्यादा भारी नहीं करते हैं उसको, इस बार इसमें बैठते हैं। चलो ए विंडो से डालो विंडो दोनों। अरे इतनी ऊंची हो जाती है भाई। 1 2 3 पावर मोड में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है उसका। भाई ये है टफ कंपटीशन इस बार। लो ये तीसरे गियर में गई पीछे। तीसरे गियर में हरा दी भाई XUV ने, बाकी तो पहले तो बिल्कुल बराबर चल रही थी, पीछे भी नहीं थी। अच्छा बटन मैंने आज देखा है 8 साल में इसका, ये 8 साल में, वही वाह। देखते ही नहीं कुछ, मेरे पापा को पता भी नहीं होगा ESP भी है इसमें। भाई अब थर्ड राउंड है, सेम वही पावर मोड, ट्रैक्शन ऑफ, ESP ऑफ, सब चीज़ बंद है, AC ऑफ है दोनों गाड़ियों में। तो मैं कर देता हूँ ना 1 2 3। चलो 1 2 XUV आ गया, दूसरे एंगल से देख लो अब कौन आ गया। तब 4 राउंड कर लिए भाई, XUV ही जीत रही है।
अभी भाइयों से पूछ लेते हैं कौन जीती थी थर्ड राउंड में। भाई हमें ही जीता, एक्सीवी जीती थी, रेस करते हुए आए वापस। हाँ, तो वहाँ भाई एक्सीवी। तो भाई वीडियो देखने के बाद थैंक यू सो मच।